प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फतेहाबाद से। आपको बता दें कि फतेहाबाद में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि 24 घंटे में जिले में संक्रमण के 384 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 4 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत की ये खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही फतेहाबाद जिले में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 3100 के करीब हो चुके हैं। और बड़ी बात तो यह है कि इस जिले का रिकवरी रेट 73% है और 2900 लोगों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश ने इस बारे में जानकारी दी है और इसके साथ ही उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में यहां संक्रमण के 384 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 4 लोगों के मौत की खबर भी सामने आ रही है। इसके साथ ही फतेहाबाद जिले में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 3100 के करीब हो गए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि फतेहाबाद जिले का रिकवरी रेट 73% है और 2900 के करीब लोगों का होम आइसोलेशन में इलाज हो रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश ने इस बारे में जानकारी दी है और इसके साथ ही उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है सिविल सर्जन का। तकरीबन जो मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ ट्रेंड, 350 के केस डेली की तकरीबन हमारे पास यहाँ पे आते हैं। आज की डेट में भी हमारे पास तकरीबन 3000 या 3100 के करीब केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। इनमें से तकरीबन 2900 के करीब हमारे केसेस हैं जो कि घरों में हैं और बाकी जो है एडमिटेड हैं, चाहे वो फतेहाबाद में हो या आसपास के ज़िले में हो या दिल्ली या हो कहीं और हो। टोटल हमारे पास तकरीबन 200 केस जो हैं एडमिटेड हम मार के चल रहे हैं। स्थिति अच्छी इस तरह से देखी जा सकती है कि हम बराबर से ही डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, उनको जितने केस आ रहे हैं उतने डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। पर अगर सारी स्थिति को देखा जाए, अभी हमारी जो वैसे रेट जो है हमारा रिकवरी रेट 72% के 73% के करीब है। 302 डेथ जो है कन्फर्म यहाँ पे हमारे अंदर हो चुकी हैं, 4 डेथ हमारे पास कल हुई थी। बाकी देखते हैं, पूरी हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है, सारे हॉस्पिटल को प्रेरित किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छी आप केयर करें पेशेंट्स की, क्योंकि पेशेंट बहुत सीरियस हैं और वो देख रहे हैं कि उनको किसी साथी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स उसके साथ बैठे उनसे बात करें, साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करें और पेशेंट अच्छे तरीके से बाहर आएगा, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिले में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो, सर दवाइयाँ कालाबाजारी ना हो, तो इसको लेकर क्या विभाग द्वारा कदम उठाया है? कालाबाजारी के लिए सरकार ने यहाँ पे DCO नियुक्त किया हुआ है और DCO जो है वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं कि कहीं पे जो गैस है या दवा की है उसकी कालाबाजारी ना हो। लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप देख के या फेसबुक पे देख के रेमडेसिविर की मांग मत कीजिए। रेमडेसिविर एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और ये हर आदमी में नहीं लगाई जा सकती, उसको लगाने के लिए कुछ खास पैरामीटर्स हैं, तभी आप डॉक्टर को धक्का मत कीजिए उसके साथ कि रेमडेसिविर लगानी है। ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर आपको खुद कह देगा कि इसको रेमडेसिविर लगानी है। आप अपनी तरफ से जब उसको फोर्स करते हैं तो डॉक्टर के अंदर कई बार होता है कि अगर मैं नहीं लगाया तो शायद उसके साथ कोई हाथापाई हो।